हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करेले का चिप्स बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिस चिप्स को आप बना के साल भर स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे इसे खा सकते हैं। तो करेला का चिप्स बनाने के लिए आप जितना चाहे उतना करेले को ले सकते हैं, और इसे पहले अच्छे से साफ कर लेना है एक दो बार पानी से, क्योंकि इसमें बहुत सारे धूल मिट्टी ऐसे चिपके होते हैं जो कि पता नहीं चलता है, और इसे छीलना भी नहीं है। तो करेले को दो तीन पानी से आप अच्छे से पहले धो के उसके बाद इसका चिप्स बना के रेडी करेंगे। और वीडियो को पूरे अच्छे से देखेंगे, ये बहुत अच्छा वीडियो है, सभी के काम की वीडियो है, तो आप ज़रूर इसे देखेंगे अच्छे से। और जिन्हें बिल्कुल भी करेला खाना पसंद नहीं है, वो भी इस चिप्स को बनाने के बाद करेला खाना शुरू कर देंगे। तो चिप्स बनाने के लिए आप ऐसा ही पतला वाला करेला का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि बीज बहुत कम होता है और बहुत अच्छा इसका चिप्स बन के रेडी होता है। और मोटा वाला करेला का भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसके बीच में बीज करेला में जो बीज रहता है वो थोड़ा कड़ा रहता है, और उसे निकाल देने के बाद बीच में होल हो जाता है, और इसका जो बनाएंगे तो बहुत अच्छा चिप्स बन के रेडी होगा। तो इस टाइप का मैं करेला ले ली हूँ, और जब करेला बहुत ज़्यादा सस्ता हो तभी आप इसका बहुत सारा चिप्स बना के और रख लें, और जब चाहे आप करेला के चिप्स का फ्राई करके खा सकते हैं। आप इसे एक चम्मच तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सब्जी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से धोने के बाद करेला को काट लेना है, इसे स्लाइस नहीं करना है। जैसे कि हम लोग आलू का चिप्स बनाते हैं या केले का चिप्स बनाते हैं तो उसे स्लाइस करते हैं, वैसा नहीं करना है, उसे इस तरह से चाकू से ही कट करना है। इसे बहुत ज़्यादा पतला पतला भी नहीं काटना है, तो मैं काट के आपको दिखाऊंगी एक टुकड़ा लेके कि कितना मोटा से आपको इसे रखना है। तो इस तरह से करेला को काट के और रेडी कर लूँगी, और करेला को इतना मोटा आपको काटना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना और ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है। तो मैं सारे करेले को कट करके रेडी कर लूँगी। मैं पहले भी बहुत सारे चिप्स इसका बना कर रख चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो हमारे ध्यान में आया कि मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और इसमें यदि बीज ज़्यादा कड़ा लगे तो उसे आप निकाल सकते हैं, और आपको यदि पसंद है इसका बीज भी खाना तो आप उसे भी साथ में रख सकते हैं, वो भी बाद में बहुत अच्छा लगता है फ्राई करने के बाद। तो मैं सारे करेले को कट करके रेडी कर ली हूँ, और इसे दूसरे बर्तन में डाल ले रही हूँ। इसे कट करने के बाद बिल्कुल भी धोना नहीं है, और इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डाली हूँ। आप जितना बना रहे हैं उस अनुसार से आप इसमें हल्दी और नमक डालेंगे, और एक चम्मच नमक लगाई हूँ इसमें, और अच्छे से करेले को इस तरह से करके अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हर एक टुकड़ा पे अच्छे से नमक और हल्दी लग जाना चाहिए, जिससे कि हमारे चिप्स लंबा समय तक चले, और हल्दी जो है इसे प्रिजर्व करने का काम करे और चिप्स को ख़राब होने से वो बचाए। तो इस तरह से आप सारे चिप्स पे अच्छे से हल्दी को मल देंगे, और एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा नहीं तो आप दो ही करेला का, लेकिन आप बना के इसे ज़रूर देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से ढक के मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ढक के। तो 4 से 5 घंटे ढकने के बाद मैं दिखाती हूँ करेला को। तो देखिए, करेला थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका है, और इसमें देखिए ढेर सारा पानी भी छूट गया है। इस पानी में जितना भी करेला का कड़वापन था वो निकल गया है, इसी से चिप्स एकदम बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। और इसे हाथ में थोड़ा थोड़ा सा लेके और इस तरह से दबा के और इसका पानी को निकाल लेना है। आप ज़्यादा मात्रा में इस चिप्स को बना रहे हैं तो किसी कॉटन कपड़ा में, पतला होना चाहिए, उसमें डाल के आप दबा के इसका पानी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दबा दबा के मैं सारे करेले का पानी को निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे वीडियो को देख सके, हमें सपोर्ट कर सके। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा।
तो इस तरह से दाब के मैं सारे करेले में से पानी को निकाल लूँगी। इस शुगर पेशेंट के लिए तो रामबाण है करेले का चिप्स। और आपको इस चिप्स बना के रखने के बाद ये भी टेंशन नहीं रहेगा कि घर में करेला नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं रहेगा, टेंशन फ्री हो जाओगे आप। तो आप ज़रूर इस करेले का चिप्स को बना के रख लोगे फ्रेंड्स, और जितना दिन चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ज़्यादा समय के लिए रखना है तो आप कभी कभी इसमें बीच बीच में धूप भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये फ्रेश बना रहे। तो सारे करेले समय जूस को निकाल दी हूँ, और इस टाइप का देखिए करेला हमारा रेडी हुआ है। अब मैं इसे किसी कॉटन कपड़ा पर डाल के और धूप में डाल दूँगी। आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। कपड़ा पर डालने से ये होता है कि इसमें जो थोड़ा पानी है वो कपड़ा सोख लेगा और करेला अच्छा से सूख के रेडी होगा। तो देखिए 2 से 3 दिन धूप में सुखाने के बाद हमारा चिप्स कुछ इस प्रकार का बन के रेडी हुआ है। आप पंखे के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं, लेकिन रखने से पहले इसमें थोड़ा धूप लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हरा चीज़ है तो अच्छे से सूख जाना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो चिप्स बन के रेडी है। अब मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में या किसी ऐसा पॉलीथीन में डाल के उसे सील पैक करके रख लूँगी, और जब चाहूँ मन करेगा इसका इस्तेमाल करूँगी, इसका फ्राई करके चाहे सब्ज़ी बनाऊँगी या फ्राई करके खाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फ्राई करके करेले का चिप्स दिखाती हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है इसे। और देखिए चिप्स डालते के साथ आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा ये फूला है। जैसे हम लोग केला का चिप्स, आलू का चिप्स फ्राई करते हैं और कैसे फैल जाता है एकदम, बिल्कुल वैसा ही चिप्स हमारा बन के रेडी हुआ है। तो जो आलू का चिप्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो करेले का चिप्स, चुकंदर का चिप्स, केला का चिप्स ज़रूर बना के रखें। मैं चुकंदर के चिप्स का भी वीडियो अपलोड की हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके आप उस रेसिपी को भी देखें और बना के स्टोर कर लें। ये टेस्टी के साथ साथ काफ़ी हेल्दी है। तो इस तरह से चिप्स को फ्राई कर ली हूँ। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो प्याज भी कट करके डाल सकते हैं, टमाटर कट करके डाल सकते हैं, जैसे आप इसे बना के खाना चाहते हैं इसे आप बना के खाएं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और देखिए इसका साइज़ फिर वापस से उतना ही बड़ा हो गया, और जैसे ये ठंडा होगा ये चिप्स अच्छा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।